हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, मार्केट में ओप्पो कंपनी ने काफी समय से अपनी एफ सीरीज के किसी भी स्मार्टफोन को मार्केट में लॉन्च नहीं किया है, लेकिन दोस्तों अब मार्केट में ओप्पो कंपनी जल्द ही अपने एक और नए स्मार्टफोन को लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अब की बार ओप्पो कंपनी अपनी एफ सीरीज के अंदर ओप्पो F19s स्मार्टफोन को लॉन्च करने जा रही है, जो की दोस्तों ओप्पो कंपनी का एक बढ़िया और अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। तो दोस्तों अब इस स्मार्टफोन को लेकर लगभग सभी कन्फर्म स्पेसिफिकेशन सामने आ चुकी है और इस स्मार्टफोन को सर्टिफिकेशन साइट के ऊपर भी लिस्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी स्मार्टफोन की फुल स्पेसिफिकेशन, इसके फीचर्स, इसके प्राइस और इसकी लॉन्चिंग डेट आदि के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों यदि आप भी ओप्पो कंपनी के फैन हैं और आप एक बढ़िया और अच्छा ओप्पो कंपनी का स्मार्टफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों बने रहिए आप इस वीडियो में एंड। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे स्मार्टफोन के लुक और इसके डिजाइन के साथ। दोस्तों इस स्मार्टफोन का लुक और इसका डिजाइन ओप्पो F19 स्मार्टफोन के जैसा ही होने वाला है। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन की बैक पैनल के ऊपर आपको कंपनी ट्रिपल कैमरा सेंसर देने वाली है और इसके अंदर भी आपको पंच होल कटआउट वाली नोच डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों लुक और डिजाइन के मामले में स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा। बाकी दोस्तों अगर स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में बात की जाए तो दोस्तों इस स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी 6.43 इंच की फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले देने वाली है, जो की 1080x2400 पिक्सल के रिजोल्यूशन के साथ होगी और इसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 होगा। और इसकी कॉर्निंग के ऊपर आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा और इसके अंदर आपको दोस्तों 19 Hz रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों डिस्प्ले के मामले में स्मार्टफोन आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी सुपर एमोलेड का पैनल प्रोवाइड कराने वाली है और इसके साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर आपको शायद इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों डिस्प्ले के मामले में स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा। कैमरा सेटअप के बारे में बात की जाए तो दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ट्रिपल कैमरा सेंसर देने वाली है, जिसमें आपको इसके बैक पैनल के ऊपर आपको 48 MP, 2 MP और 2 MP का रियर कैमरा और 16 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा देने वाली है। तो दोस्तों कुल मिलाकर कैमरा के मामले में स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा। इसके अंदर आपको रियर कैमरा सेंसर भी बढ़िया मिल जाएगा और इसके अंदर आपको दोस्तों सेल्फी कैमरा भी 16 MP का देखने को मिल जाएगा, जिससे दोस्तों आप बढ़िया और अच्छी सेल्फी ले सकते हैं और वीडियो कॉलिंग आदि कर सकते हैं। और दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ओप्पो कंपनी के ज्यादातर लो प्राइस स्मार्टफोन के अंदर आपको 48 MP का ही प्राइमरी कैमरा सेंसर देखने को मिलता है। और दोस्तों अगर इसके प्रोसेसर के बारे में बात की जाए तो दोस्तों स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी स्नैपड्रैगन का चिपसेट देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 662 का चिपसेट देने वाली है और ये मोबाइल एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करेगा। और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको एडिनो 612 का GPU देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों प्रोसेसर के मामले में यह स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा। इसके अंदर आपको कंपनी स्नैपड्रैगन का चिपसेट देने वाली है, लेकिन दोस्तों यह चिपसेट काफी पुराना हो चुका है, इसलिए कंपनी को स्मार्टफोन के चिपसेट के अंदर चेंजेस करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों आप इसके अंदर कौन सा चिपसेट देखना पसंद करेंगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हैं। वेरिएंट के बारे में बात की जाए तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, ओप्पो कंपनी अपने ज्यादातर स्मार्टफोन को सिर्फ एक ही वेरिएंट में उतारती है। तो दोस्तों मार्केट में स्मार्टफोन आपको शायद 8 GB रैम के साथ देखने को मिलेगा, जिसके साथ आपको 128 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों स्मार्टफोन के वेरियंट के बारे में अभी कन्फर्म नहीं हो पाया है कि इसके अंदर आपको 6 GB रैम वाला वेरियंट मिलेगा या इसके अंदर आपको 8 GB रैम का वेरियंट मिलेगा। लेकिन दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर आपको वर्चुअल रैम का भी सपोर्ट मिलेगा, जिसके जरिए आप इसकी रैम को 11 GB तक बढ़ा भी सकते हैं। तो दोस्तों यह इसके अंदर आपको एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन देखने को मिलेगा। बैटरी के बारे में बात की जाए तो दोस्तों अब की बार इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी 33 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5000 mAh की पावरफुल बैटरी भी प्रोवाइड कराने वाली है। तो दोस्तों इसके अंदर आपको पावरफुल बैटरी और बढ़िया फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जिससे दोस्तों यह स्मार्टफोन आपको लॉन्ग पावर बैकअप देने वाला है। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों इस स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी बढ़िया फीचर्स प्रोवाइड कराने वाली है और ये स्मार्टफोन कंपनी का एक बढ़िया और अच्छा लाइट वेट स्मार्टफोन होने वाला है। बाकी दोस्तों अगर स्मार्टफोन की लॉन्चिंग डेट और इसके प्राइस के बारे में बात की जाए तो दोस्तों स्मार्टफोन को कंपनी आने वाले 27 सितंबर को मार्केट में उतारेगी और यह स्मार्टफोन आपको लगभग 18 से 20 हजार रुपए के आसपास होने वाला है। तो दोस्तों आपको यह स्मार्टफोन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।